और रोटी क्या क्या की बनाओ तेरे? गेहूं की बनाओ, बाजरा की बनाओ, मक्के की बनाओ। मक्के की आज मान के क्वेश्चन, मक्का ही खुआ दो। जी सर। और इसकी कीमत क्या है? 23 करोड़ लग चुकी है, 3 बार पुष्कर मेले में, 2 बार एक बार यूपी मेरठ में। 23 करोड़ ये बता रहे हैं कि इसकी कीमत लग चुकी है पुष्कर मेले में। नमस्कार दोस्तों, नई सुबह और पुष्कर की एक नई सुबह में आपका स्वागत है। ये आप मेरे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जाता है ब्रह्मा टेंपल और पुष्कर सरोवर के पास। तो सुबह का टाइम है, 9:30 बज गए, हमें भूख लगी तो हमने सोचा नाश्ते की जगह कुछ आज राजस्थानी खाया जाए। ये इधर देखिए आप मेरे सामने, ये इधर बाटियाँ बन रही हैं, ये पवन पुत्र भोजनालय, ये टेम्परेरी लगते हैं मेले के टाइम पर, और यहाँ की जो लोकल ग्रामीण औरतें हैं वो इसको बनाती हैं, वो इसको संचालित करती है। तो जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे 3-4 टाइप की तो बाटियाँ बन रही है, और हमने मंगवाया है केर सांगरी की सब्ज़ी और बाजरे की रोटी, और आपको सब चीज़ें हम दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, और इनका किचन भी हम आपको दिखाएंगे। तो आज मेले का 2nd लास्ट दिन है, 14 नवंबर है। जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तब तक तो मेला शायद ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में हम आपको नेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल भी दिखाएंगे, जो वो सामने दिख रहा होगा शायद। ये एक राष्ट्रपति पुरस्कृत विजेता है जिनके द्वारा किया जाता है ये काम, और ये पूरा मेला राजस्थान टूरिज्म के द्वारा और यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा पूरा किया जाता है। तो आप आइए मेरे साथ और मैं आपको दिखाता हूँ। इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं अपन। ये राम राम ताई जी, ये के बना रहे होते हो? माई कहो तो बोलो ही। हाँ बोलो, काई कहो ते बताओ के को, ओ के बना रहे हो? माई की बना रही हूँ। क्या की, क्या की है? कोई खाली गेहूं की है और क्या की? खाली गेहूं की है, सनी सड़क ने हड़क ना क्योड़ी पीड़ी की हल्दी ना। रोटी क्या की बनाओ तेरे? गेहूं की बनाओ, बाजरा की बनाओ, मक्की की बनाओ। मक्के की आज मान के क्वेश्चन, मक्का ही खुआ दो। हाँ चाय पियो। चाय तो पी रहे हैं। मैंने एक चीज़ तो, हिंदी समझ में आती है क्या आपको? हिंदी समझ में आवेगी? थे बोलो तो तारी। मैं तो आप ही बोल रही हूँ वैसा। और तो मैंने एक बात बताओ, जकिया थारी या मेला मेला में लगाओ दुकान? नहीं पर मैंने 12 महीने आई पर मेला पर लगाई। मेला के बाद में लगे और 12 महीने चलती है, ऐसा नहीं है कि मेला खत्म होने के बाद में। तो जो ये उधर एक वो कुमाऊँ, यहाँ ज़्यादातर कुमाऊँतों के ही है सब रेस्टोरेंट, ये क्या चक्कर है? ज़्यादातर कुमाऊँता का ये थे रेस्टोरेंट, थे भी कुमाऊँ तो खटिया का? मैं रेमा तटे यहाँ बट्टा का कन्नौज का है। चलो ठीक है, तो हम उनकी सब्जी भी दिखाते हैं कि सब्जी कैसे मेकिंग कर रहे हैं ये। आइए, बन रही है, टाइम लगेगा अभी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हमारा लंच आ चुका है और ये बाटी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ये केर सांगरी की सब्ज़ी आप जो देख रहे हैं, राजस्थान की स्पेशल होती है, और ये बाजरे की रोटी है। केर सांगरी के साथ सब्जी के साथ बाजरे की रोटी काम में ज़्यादा ली जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्बिनेशन और खाने का भी आनंद आता है। और ये बाटी है, इसमें ये आटे की बनी हुई है, लेकिन इसके साथ हल्दी का यूज़ थोड़ा किया गया है, इसलिए आपको ये थोड़ा येल्लो सेड दिख रही होगी, आपकी येल्लो थोड़ी येल्लो दिख रही होगी। और ये है पंचमेल की दाल, जिसमें चना, मूंग, मोट आदि 4-5 चीज़ें मिक्स है, और ये लहसुन की चटनी, और ये हमें हरी मिर्चें दी है फ्राई करके, और ये गेहूं की चपाती आ गई है। अब हमारा कुछ रायता रहा है, तो हम करते हैं फूड को एंजॉय और आपको दिखाते रहेंगे पुष्कर मेले के अतरंगी रंग। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए 500 यात्रा। पुष्कर मेले में अभी अपन देख रहे हैं, हमें मिले हैं भाई हमारे जानकार जयपुर के अशोक चौधरी जी, जो ये भैंसा बेचने आए हैं। इसकी कीमत ये बता रहे हैं 2,60,000। 2,60,000, इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी आप मुझे देंगे। इसका नाम शंकर है। शंकर? हाँ। 19 महीने का हुआ है अभी तक ये।
और जो इसके बाप का नाम था वो संपूर्ण था। हाँ। और इसकी माँ थी, उसका 19 लीटर दूध था जो वो मुर्रा की थी। ओहो। और ये 19 लीटर दूध 11 महीने तक इसी ने पिया है। हाँ। और जो बाद में जो डाइट होती है जो दूध के बाद में, वो होती है कि हम सीजन के हिसाब से खिलाए इनको, मूंगफली हो गई, टमाटर हो गए, जो गेहूँ बाजरा ये खिलाए इनको। ये कितना कितनी एज है इसकी? 19 महीने का हुआ। 19 महीने का हुआ। और इसकी डाइट क्या रहती है? डाइट ये 11 महीने तक तो दूध पिलाया है। हाँ। और जो सीजन के हिसाब से चालू है फिर बाकी। यार इसके सींग भी खूबसूरत है, सींग से ज्यादा होती होगी इसकी वैल्यू? बिल्कुल, है ना, मुर्रा का है ये। हाँ। और जो इसकी पीठ है ना वो भी काफी बड़ी है। अच्छा। जो पीठ को ये माना जाता है कि जो इसकी फीमेल होगी ना। हाँ हाँ। उसके दूध ज्यादा रहता है। और ये जैसे नई पैदा करने के लिए काम में लिया जाता है? अभी तो छोटा बच्चा है इसलिए अभी तो नहीं हुआ। नहीं, इसको 22 थोड़ी करते हो आप लोग? नहीं नहीं नहीं। हाँ। अभी तो छोटा बच्चा रहेगा ना इसीलिए। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए? 3 दिन हो गए। अभी तो 3 दिन से खाना भी नहीं खाया इसने। खाना भी नहीं खाया? नहीं, क्यों, जगह नई जगह होती है तो उसके अनुसार ये। आप लोग कहाँ रहते हैं यहाँ? जो हम उधर मेले में थे उस साइड में। एक मैंने सोचा करोड़ों का भी भैंसा है। हाँ, बिल्कुल है। वो कहाँ है? वो उस साइड है। अभी उधर है? हाँ, अनमोल। यार ये भी बहुत अच्छा है, अच्छा लगा आपसे मिलके। अशोक भाई का आपने देख ही लिया, और आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अतरंगी हम आपको राजस्थानी दिखाते जाएंगे। धन्यवाद। आगे की श्रृंखला में अभी हम पहुंचे हैं पुष्कर मेले में। ये जो आप मेरे सामने ये भैंसा देख रहे हैं, इसकी कीमत भाई साहब बताएंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा पलविंदर गल्ला जी। पलविंदर जी है, कहाँ? सिरसा से आए हैं, हरियाणा से। जी सर। और इसकी कीमत क्या है? 23 करोड़ लग चुकी है 3 बार पुष्कर मेले में, 2 बार, एक बार यूपी मेरठ में। 23 करोड़ ये बता रहे हैं कि इसकी कीमत लग चुकी है पुष्कर मेले में। लोगों का माने ना माने हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो आप इसको बेचते नहीं? नहीं जी, हमारी चीज है, हमारे मोल लगा है। ये इसकी एज कितनी है? 8 साल 2 महीने। 8 साल 2 महीने। और ये यार बहुत ही खूबसूरत है। इसकी डाइट क्या रहती है? फ्रूट और ड्राई फ्रूट होते हैं। फ्रूट और ड्राई फ्रूट। अभी जब ऐसे आप इस मेले में लाए हैं तो ये जगह चेंज करके वैसे नहीं होता क्या कि ये खाए? नहीं 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 जी, नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ। बिल्कुल, आप ऐसी अतरंगी जानकारी के लिए हमें देखते रहिए और बने रहते हैं अभी इस पुष्कर मेले में, और यहाँ की राजस्थानी संस्कृति आपको दिखाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू भैया। 500 यात्रा नाम से अपना चैनल। ठीक है।